हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड यू आर वॉचिंग अंकिता क्लासेस। वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका एक हम क्विक इंट्रो देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स ए टू जेड, जितने भी लेटर्स हमारे पास होंगे वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल 2x, 3y, 7z एक्सेट्रा। इसमें जो हमारे पास x है, y है और z है, ये हमारे सारे के सारे होंगे वेरिएबल्स। ये सारे के सारे हमारे होंगे वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है LHS एंड RHS। तो LHS एंड RHS का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से देखें। 2x-4=6, ओके। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ओके। ये हमारे पास एक इक्वेशन हमको दे रखी है। इसमें जो ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन है, इसके जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो वो हमारे होंगे LHS वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन होगा वो होंगे हमारे RHS विच इज राइट हैंड साइड, ओके। एंड दिस इज आर इक्वालिटी साइन, ओके। इस चैप्टर में हमको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है, यानी आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, उसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और वेरिएबल हमने देख लिए कि वो क्या होंगे, ए टू जेड तक जितने भी लेटर्स होंगे हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाएंगे इन मैथमेटिक्स। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। सो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, सो बेसिकली एक्सप्रेशंस हमारे सो बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5x x प्लस वाई प्लस जेड, और यू कैन से y प्लस वाई स्क्वायर। सो ये सारे मेरे पास एक्सप्रेशंस हो गए, जिसमें हमारे पास सिंपली वन टर्म हो, थ्री टर्म्स हो और टू टर्म्स हो, सो हमारे एक्सप्रेशन होंगे। बट इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन होगी। इक्वेशन कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ गया इक्वल्स टू का साइन। यहाँ पर हमारे पास आ गया इक्वल्स टू का साइन, और इधर हमारे पास ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये 5 हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है हमारा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। एक्सप्रेशंस में सिर्फ हमारे पास टर्म्स दे रखी होंगी, उसमें कोई इक्वल्स का साइन नहीं होगा। बट जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे टर्म्स दे रखी होंगी, और बीच में इक्वल्स का साइन होगा, जो कि इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इसमें हमें जो देखनी है, हमारा जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, बेसिकली जैसे हमने ये इसी का एग्जांपल देख लेते हैं, 7x-3=5। ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है, राइट। ये हमारी एक इक्वेशन है। अब हमें देखना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होगा, ये हमारी इक्वेशन है। अब इक्वेशन है बट हमें देखना है लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो हो वो 1 हो,
जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल x है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है. सो हाईएस्ट पावर जो हो वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो हमारी क्या होगी, वो लीनियर इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन होगी. इक्वेशन जो होगी उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपकी 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. 1 से ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी जो हमें बड़ी जो हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है. बट आपकी 8th क्लास के अकॉर्डिंग अभी हमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ना है. तो लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो. ओके, और इक्वेशंस क्या होंगी, उसमें इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए आपके पास, लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन होने चाहिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. सो हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस. इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 2 इक्वल्स टू 7. अब हमें इसमें इन्होंने एक वेरिएबल दे रखा है जो कि हमारे पास है x. अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन हम इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस x के साथ माइनस 2 भी हमारे पास है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस माइनस 2 को इस साइड विच इज़ राइट हैंड साइड हम इसे शिफ्ट करेंगे. तो x का हम x इधर लिख देंगे, 7 इस साइड था तो 7 हम इसी साइड रहने देंगे. और जो हमारे पास माइनस 2 है वो जब हमारे पास राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट इसकी मूवमेंट कहाँ हुई है, लेफ्ट टू राइट में मूवमेंट हुई है, तो इसका जो माइनस का साइन था चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2. अब ये इसमें हमारे पास ये रूल्स हैं, जैसे माइनस में कोई नंबर होगा वो प्लस में चेंज होगा, प्लस वाला माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जो होगा वो डिवाइड में चेंज होगा. जब हम माइनस 2 को लेफ्ट टू राइट मूव करा हमने तो जो माइनस 2 का साइन था वो चेंज होके हो गया प्लस 2. क्यों हुआ, इस रूल की वजह से कि कोई भी नंबर हो या वेरिएबल हो जब हम उसको लेफ्ट से राइट में और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जो साइन होगा हमें उसको चेंज करना है जब हम किसी वेरिएबल या किसी नंबर को मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. सो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया, वेरिएबल जो था हमारे पास x उसकी वैल्यू आ गई 9. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10. अब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x था, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल y है और हमें इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इस बार हमारे पास क्या है, इस वेरिएबल y के साथ प्लस 3 है. अब हमें इस प्लस 3 को मूव करना होगा, y को यहीं लिखेंगे इक्वल्स टू 10 जहाँ पर है उसकी प्लेस में वहीं लिख देंगे राइट साइड पर, और जिसको हमें मूव कराना है वो है प्लस 3, इसको हमें लेफ्ट टू राइट मूव कराना है. इन होगा वो चेंज होके हो जाएगा माइनस माइनस 3. तो ये जो प्लस 3 का साइन हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3, क्योंकि प्लस में था तो ये किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा. अब इसको हम सिंपली माइनस कर देंगे, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 7. तो हमारे पास जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू आ गई 7. थर्ड क्वेश्चन, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2. ये क्वेश्चन अब हमें दे रखा है. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, z. अब z हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, प्लस 2. तो हमें पता है कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो हमें उसे शिफ्ट करना है. तो जो प्लस 2 है हम इसको इस इधर शिफ्ट करेंगे अब. ओके, मैं प्लस 2 को मूव करना है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में. सो जेड को हम यहीं लिखे रहने देते हैं, 6 को हम यहीं रहने देते हैं, और जो हमारे पास प्लस 2 है हमें उधर उसको इस साइड लेकर जाना है. तो
हमारा जो टू था वो था प्लस में, तो जो प्लस में होगा वो किस साइन, कौन से साइन में चेंज होगा, माइनस में, तो ये जगह हमारे पास माइनस टू। अब हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिक्स में से टू को हम लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास फोर। तो हमारे पास जो जेड वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है फोर। ओके, थ्री अपॉन में सेवन प्लस एक्स इक्वल्स टू सेवनटीन अपॉन में सेवन, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब हमारे पास वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल एक्स के साथ कौन सी वैल्यू अटैच है, थ्री अपॉन सेवन। अब हमें इस थ्री अपॉन में सेवन को इस साइड मूव करना है। ओके, यहाँ मूव करेंगे तो एक्स हम यहीं रहने देते हैं, सेवनटीन अपॉन में सेवन, और हम जब इसको इधर लेकर जाएंगे थ्री अपॉन में सेवन, साइन इधर कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ जाके कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ओके, अब नाउ इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तब हम एलसीएम नहीं लेंगे, सिंपली वो नंबर लिख देंगे जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि दोनों साइड में सेम डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेवन हम लिख देंगे। नाउ जो हमारे पास न्यूमरेटर में है सेवनटीन माइनस थ्री, अब हम इसे माइनस कर देंगे, फोर्टीन अपॉन में सेवन। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो वेरिएबल हमें दे रखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा हमें उसको दूसरी साइड जो नंबर होगा उसके साथ जाके अटैच करना है, और उसका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 14 अपॉन में 7। अब 14 अपॉन में 7 को हम इसे कट करेंगे, 7 टू ज़ा 14। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो हमारे पास जो हमारे पास इस क्वेश्चन में वेरिएबल था एक्स, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है जो कि है 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 6x = 12। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे उसमें प्लस या माइनस में था। अब यहाँ पर हमारे पास जो 6 है और जो x है, जो नंबर है और जो हमारे पास वेरिएबल है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों 6 और x किस में, मल्टीप्लाई में। तो इस वेरिएबल के साथ नंबर है हमारे पास 6, जो कि इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे जो हमारा 6 मल्टीप्लाई में था, ये 12 के साथ चला जाएगा नीचे डिवाइड में। ओके, 6 के टेबल में अगर हम इसको 12 से काटेंगे तो 6 टू ज़ा 12, तो हमारा आंसर आ गया 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो 6 और x है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम 6 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये शिफ्ट करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई में होगा वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। इसलिए जो 12 है उसके साथ 6 जो है नीचे किस में आ गया, डिवाइड में। t अपॉन में 5 इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल t है, और इस वेरिएबल t के साथ जो 5 है वो डिवाइड में है। अब हम इस 5 को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में, तो जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई, किस में चेंज हो जाएगा वो, मल्टीप्लाई में। तो t इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5। ओके, क्योंकि ये नीचे t के साथ डिवाइड में था, तो जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो t हमारे पास आ गया 50। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स अपॉन में 3 इक्वल्स टू 18। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब हमारे पास इसमें वेरिएबल जो x है उसके साथ 2 अपॉन में 3 नंबर है। अब यहाँ पे x के साथ 3 जो है वो डिवाइड में है, और जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे,
सिंपली जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में करा है, जो डिवाइड में है उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। और आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 नीचे है तो इधर जाके इसको हम ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पे 2 ऊपर है तो ये इधर नीचे आ जाएगा। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसको हम समझ के करें तो 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये नीचे डिवाइड में 3 यहाँ पे नीचे डिवाइड में है तो यहाँ पे 18 के साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो 2 और x है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 2 को जब हम इधर मूव करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो x इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। अब हम इसे कट कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ 27। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 27। 27 कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कट करा, यहाँ पे 9 आ गया था, 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और अपना वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे y के साथ हमारे पास 1.5 नीचे डिवाइड में है, तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू y, पॉइंट कैसे हटाएंगे, इधर नीचे 10 लग जाएगा दोनों में, इस वाले पॉइंट नीचे हमारा 10 कैसे आया, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो इसलिए नीचे 10 लगेगा, तो हमने 10 लिखा और इधर भी 10 लिखा। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 16 को 15 के साथ हम इंटू करेंगे, 6 5 30, 5 1 5, 6 7 8 मल्टीप्लाई 6 1 6, 1 1 1, 0 8 6 14, 1 carry 1 and 1 2। तो मेरे पास आंसर आ गया 240 अपॉन में 10, ये 0 से वाला 0 कैंसिल हो जाएगा और y हमारा आ जाएगा 24। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब हमें दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके साथ 7 अटैच है और माइनस 9 है, तो पहले हम इस माइनस 9 को इधर ले जाते हैं क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस माइनस 9 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। 16 प्लस 9 इज 25। यहाँ पर 7 और x जो है दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इस साइड जाके किस में चले जाएंगे, डिवाइड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। सिंपली जैसे 9th क्वेश्चन करा था सेम वैसे हमारे पास 10th क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। अब हमें क्या करना है, 14y को हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस माइनस 8 को शिफ्ट करेंगे, तो 13 माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस 8। ओके, नाउ थर्टीन प्लस 8 21। 14 और y यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 14 इधर नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, 7 3 21, 7 2।
सो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। तो वाई जो वेरिएबल है उसका हमने वैल्यू निकाल ली 3/2। इलेवेंथ क्वेश्चन, 17 + 6p = 9। ओके, सो अब हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल है वो p है और p के साथ नंबर है 6। तो हम इसको बाद में, सबसे पहले हमें 17 को सॉल्व करेंगे। तो हम इस 17 को क्या करेंगे, हम इस 17 को शिफ्ट करेंगे 9 के साथ। तो 9 यहाँ पे प्लस 17 है, जब हम इसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -17। सेवनटीन में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हम आंसर आएगा हमारे पास 8। 17 यहाँ पे हमारे पास जो है वो बड़ी डिजिट है तो उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे 6 और p दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे 6 जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6 और हमारा जो p की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी हमारी -4/3। नाउ 12th क्वेश्चन, 3 + 1 = 7/15। सो हमारे पास इधर वेरिएबल x है और वो उसके साथ 3 डिवाइड में है +1। तो सबसे पहले वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस -1 को हम जो +1 है हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो x/3 = 7/15 - 1। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 के टेबल में 15 1 बार में, और इसे हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 15 = 15। 7 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 15 यहाँ पे बड़ी डिजिट है तो उसके आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, अपॉन में 15। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इस x के साथ हमारे पास है 3 जो कि डिवाइड में, तो यहाँ पे 3 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसे हम कट कर लेंगे, 3 5 x जो है हमारा आ गया -8/5। x की वैल्यू आ गई -8/5। सो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ आया होगा, एक्सरसाइज 2.1 आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।